हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं बेसिकली बात करने वाली हूँ कॉन्टैक्ट लेंस को लेके, लाइक कॉन्टैक्ट लेंस हम लोग कैसे पहनते हैं और हम लोग कैसे सिक्योर करके रख सकते हैं उनको, और कुछ जो चीजें हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनना चाहते हो या खरीदना चाहते हो। तो मैं लास्ट 6 ईयर से कॉन्टैक्ट लेंस पहन रही हूँ और मैं बहुत सारी चीजें जो है वो एक्सपीरियंस्ड कर चुकी हूँ, क्योंकि ऐसे लेंस पहनना लोगों को लगता है लेंस पहनते हैं बहुत फैशनेबल है, बहुत अच्छा लगता है देखने में, लेकिन बहुत मुश्किल चीजें भी है जो आपको फेस करना पड़ता है। और सो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि आप जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इससे रिलेटेड। 1 to 10 प्रॉब्लम्स है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्रॉब्लम्स नहीं कह सकते हैं इनको, आप लोग अगर जान लोगे चीजें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसा बोल सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आप सबको दिखा भी दूंगी कैसे कॉन्टैक्ट लेंस पहनना चाहता है और कैसे उतारते हैं, कैसे उनको रखते हैं सिक्योर करके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि मैं जो लेंस पहनती हूँ, कॉन्टेक्ट लेंस पहनती हूँ, वो कलर्ड लेंस नहीं है, मेरे पावर वाले लेंस है। और ये लेंस मुझे पड़े है 850 करके, दो लेंस मुझे 1700 में मिला है। और जो कलर्ड वाले लेंस है वो अलग अलग रेंजेस के आते हैं, ये भी शायद आते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये थोड़ा एक्सपेंसिव ही होता है, क्योंकि ये जो लेंस है ये आप लोग 1.5 साल तक यूज कर सकते हो। और ये है लेंस का कंटेनर जो कि उसके साथ ही मिलता है, इसके पैक के साथ मिलता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है L, सो इस व्हाइट वाले पे लिखा हुआ है L और ये यानी कि लेफ्ट, और ये है राइट वाला। सो ये लिखा इसलिए होता है क्योंकि जो कलर्ड वाले लेंस है वो तो सेम होते हैं, लेकिन जो पावर्ड वाले लेंस है उन पे किसी का होता है दोनों आइस पे पावर सेम नहीं होता है, जैसा कि मेरा दोनों आइस पे पावर सेम नहीं है, अलग अलग है, इसलिए लेफ्ट राइट लिखा होता है और ऐसे ऑर्डर में पहनना जरूरी होता है इनको। सो इसको बोलते हैं, यहाँ पे एक सोल्यूशन है, मैं हाथ डाल रही हूँ, ये एक वाटर काइंड ऑफ सोल्यूशन है, ये देख सकते हो आप लोग कैसे दिखा रही हो। सो ये एक सोल्यूशन होता है जो कि आपको, आप अगर लेंस यूज कर रहे हो तो आपको चाहिए होता है, और पैक के साथ मिलता है कभी कभी। सो ये छोटा वाला मिलता है और मैंने ये बड़ा वाला खरीदा है क्योंकि मैं रेगुलरली पहनती हूँ, सो मुझे पूरा साल भर यूज करना पड़ता है। सो यहाँ पे इसका प्राइस लिखा है 160 रुपीज, लेकिन ये फ्री में मिलता है पैक के साथ, और इसका प्राइस है 450 रुपीज, ये 355 ml का है, और ये है छोटा वाला है 6। आप लोग अगर कलर लेंस पहन रहे हो तो आपके लिए ये छोटा ही काफी है, इसके अंदर ही आपको लेंस को रखना पड़ता है और इससे क्लीन करना पड़ता है लेंस को। अगर आप इसके अंदर नहीं रखोगे तो आपका लेंस कुछ ही मिनट भी नहीं लगेंगे, सेकंड्स में ड्राई हो जाएंगे और खराब हो जाएंगे, आपके पहनने के लायक नहीं रहेंगे। सो बेसिकली आप लोगों को इस कंटेनर में इस सोल्यूशन को डालना होता है, और सोल्यूशन में आपको लेंस उतार के रखना पड़ता है और इससे ही निकाल के फिर से लगाना पड़ता है आईज पे। सो मैं दिखा दूंगी इसके बाद। सो पहला जो पॉइंट है, हर बार आप जब भी लेंस को टच करोगे पहनने के लिए या कुछ भी करने के लिए, आपको अच्छे से हाथों को क्लीन करना है सोप से या हैंड वॉश से, पानी से सिर्फ क्लीन करने से नहीं चलेगा। आप कोई भी अगर स्पाइसी फूड खा रहे हो हाथों से, सो आपको लेंस पहनने से पहले आपको 3-4 बार हाथ को क्लीन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे और उसे लेंस पहनोगे हालत बहुत ही खराब हो जाता है, पूरा रेड हो जाता है, आई से पानी निकलने लगता है, सर दर्द करने लगता है। सो सेकंड जो पॉइंट, आप कितने भी प्रो हो जाए लेंस पहनने में, लेकिन कभी भी रिस्क ना ले और मेकअप से पहले लेंस पहन ले। ऐसा नहीं कि पहले अरे मैं तो प्रो हूँ मैं पहन लूंगी सो मेकअप कर लेती हूँ फिर लेंस पहनूंगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं 6 ईयर से कर रही हूँ, मैंने रिक्स लिया था पहले और फिर से मुझे मेकअप करना पड़ा पूरा। सो अभी मैं रिक्स नहीं लेती हूँ और मैं पहले लेंस पहन लेती हूँ, प्रॉब्लम क्या है। थर्ड पॉइंट, कभी भी कॉन्टेक्ट लेंस पहन के सो मत जाना, आपको सोने से पहले कॉन्टेक्ट लेंस को उतारना है फिर सोना है, क्योंकि अगर आप लोग कॉन्टेक्ट लेंस पहन के सो जाओगे तो पता नहीं आपका लेंस नीचे जाएगा आंखों के ऊपर रहेगा, शायद आपको नींद से उठ के ढूंढना पड़े आंखों में कि कहाँ गया है लेंस, मेरे साथ हो चुका है ये। सो गाइस, जब भी आप कॉन्टेक्ट लेंस पहन के रहोगे आप आईज को रब मत करो। कुछ लोग होते हैं जो आईज को रब करते हैं, मैं करती थी पहले, और मैं कॉन्टेक्ट लेंस पहन के भी बहुत बार कर चुकी हूँ। सो मेरे साथ ये हुआ है कि कॉन्टेक्ट लेंस मैं जब रब करके आंखें खोला मैंने, मैं देख नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं जो लेंस है वो आई वॉल पे नहीं कहीं और घुस गया है, और समझ भी नहीं पाओगे कि आपके कॉन्टेक्ट लेंस कहाँ गया है। फिर कुछ देर बाद आप लोग रियलाइज कर पाओगे कि आंखों के ऊपर ऐसे यहाँ पे मतलब अंदर यहाँ पे या फिर यहाँ पे अटका हुआ है, उसको निकालने में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जब आप कॉन्टेक्ट लेंस पहने हो तब आपको फेस को वॉश नहीं करना है, अगर आप
आईज को खोलोगे और पानी को ऐसे दोगे तो लेंस आपका उतर के कहाँ चला जाएगा आप ढूंढ भी नहीं पाओगे। मैंने ऐसा किया था और फिर मुझे एक दूसरा लेंस खरीदना पड़ा। अगर आप लोग स्विमिंग पूल में जा रहे हो या बीच में जा रहे हो तो बीच पे पानी पे उतरने से पहले पूल पे पानी पे उतरने से पहले आपका लेंस उतार लो, स्पेक पहन लो, सनग्लास पहन लो, फिर पानी में उतरो, क्योंकि वही बात हो गई कि पानी आएगा लेंस को लेके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट, सो गाइस आजकल जो अल्कोहल वाले सैनिटाइजर्स मिल रहे हैं उनको हाथों में अप्लाई करके कभी भी लेंस को ना छुए या आंखों में हाथ ना डाले, क्योंकि अल्कोहल हमारे जो आईज है उनके लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आप अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से हाथ क्लीन करते हो तो तुरंत मत करो, कुछ देर वेट कर लो, फिर आप लोग लेंस पहनो। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है, आप लोगों को फायर के सामने नहीं जाना है, बहुत क्लोज नहीं जाना है फायर के लेंस पहने हुए, क्योंकि वो जो लेंस जो होता है वो सॉफ्ट प्लास्टिक मटेरियल से बना होता है और प्लास्टिक अगर फायर के सामने जाता है तो कैसा हालत होता है आप लोगों को पता ही है। सो आप लोग नहीं चाहोगे कि आपके आंखों के अंदर आपका लेंस वैसा हो जाए और बहुत ही सारे इंजुरीज हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हो यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करके, कोई अगर लेंस पहन के, कॉन्टेक्ट लेंस पहन के फायर के सामने जाता है तो क्या हो सकता है उससे। सो बहुत क्लोज ना जाए, अगर कुकिंग भी कर रहे हो तो आंखों पे स्पेक पहन लो, जा भी रहे हो कुकिंग करने तो बहुत क्लोज मत जाओ। सो गाइस लास्ट एंड फाइनल पॉइंट मैं बताने वाली हूँ और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिए। आप जब भी बाहर जा रहे हो, स्पेशली मॉनसून के सीजन में ऐसा होता है कि बहुत जोर से अगर हवा चले तो आपके आंखों में धूल मिट्टी चली जाती है। नॉर्मल इंसान जिसके आंखों में लेंस नहीं है उसके आंखों में भी अगर धूल मिट्टी चली जाए तो कितना इरिटेशन होता है आप लोगों को भी पता है। लेकिन अगर आप लेंस पहने हो और आपके आंखों में धूल मिट्टी चली जाती है तो नॉर्मल इंसान से 10 times ज्यादा आपको इरिटेशन होगी और ऐसा लगता है कि अभी लेंस उतारना पड़ेगा मुझे आई से। और आपके पास अगर वो कंटेनर या वो सोल्यूशन ना हो तो आप उतार भी नहीं पाओगे आंखों से लेंस को। सो आपको क्या करना है, जब भी आप बाहर निकलो आपका जो कंटेनर है वो और स्पेक आप लोग कैरी करो अपने साथ, ताकि कोई भी प्रॉब्लम अगर रास्ते में हो जाए कि आपकी आंखों में कुछ चला जाए तो आप अपना जो लेंस है, कॉन्टेक्ट लेंस है, उसको उतार के कंटेनर में रख सको और स्पेक्स पहन सको, क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इन सब पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हुए कॉन्टेक्ट लेंस को पहनोगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। सो गाइस ये है मेरा लेंस और ये है मेरा स्पेक, सो इसे मैं उतार लेती हूँ और फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। मैं राइट वाला लेंस लगा लेती हूँ अपनी राइट आई पे। सो इसको ऐसे लेके इसको लेना है ऐसे हाथ पे क्लीन हाथों से इसे इस फिंगर से या इस फिंगर से आपको उठाना है। मैं इस फिंगर से ही उठाती हूँ, तो ऐसे नीचे का पोर्शन ऐसे करना है और स्ट्रेट देखना है और ऐसे लगा देना है। राइट वाला बंद करके लेफ्ट वाला ले लेती हूँ और ऐसे रखना है, फिर से ऐसे उठाना है ऐसे और ऐसे हो गया। अब इसे निकालने की बारी है। सो निकाला कैसे जाए लेंसेस को अपने आईज पे से, सो निकालने के लिए फिर से आपको ये खोलना पड़ेगा। इसमें जो सोल्यूशन होता है वो आपको रेगुलरली चेंज करना पड़ता है, इसलिए ये डर्टी नहीं होना चाहिए, इसे आप लोग चेंज करते रहना। सो इसे क्या करना है, ऐसे आई बॉल पे हाथ रखना है और ऐसे पिंच करके उठा लेना है, ये देखिए, और फिर इसमें तुरंत ही इसमें डाल देना है। ज्यादा देर बाहर नहीं रखते हैं इनको क्योंकि ये ड्राई हो जाते हैं और फिर खराब हो जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को एक थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।